Welcome to our YouTube channel 24x7 AP Library. Today we have the topic of Fine Arts of Class Plus 2. In this video, we will discuss about this painting, Children. The name of this graphic print is Children. Artist is Somnath Hore. Medium is etching and aquating. Period is 1955 to 1970 AD. Collection, the National Gallery of Modern Art, New Delhi. Now, let's discuss about the subject matter of this graphic print. The print is a visualization of the artist's emotional response to the pain and suffering of the poor and deprived, the wounded humanity. इस ग्राफिक प्रिंट में आर्टिस्ट ने अपना इमोशनल रिस्पांस दिया है, जो कि वाउंडेड ह्यूमैनिटी, जो कि गरीब लोग और दबे हुए लोग सफ़र करते हैं, उनके पेन को इमोशनल रिस्पांस देने के लिए ये ग्राफिक प्रिंट बनाया है. इट इज़ अबाउट द फिजिकल सफरिंग ऑफ द विक्टिमाइज्ड एंड द वाउंडेड विद नो होप ऑफ रेस्क्यू इन दिस वर्ल्ड और द अदर. तो ये फिजिकल सफरिंग को शो करता हुआ ग्राफिक प्रिंट बनाया गया है, जो कि विक्टिम्स को और वाउंडेड चिल्ड्रन को शो कर रहा है, जिनकी इस वर्ल्ड में या किसी और वर्ल्ड में कोई भी होप नहीं है उनकी रेस्क्यू की, उनके बचाव का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है. डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ग्राफिक प्रिंट. दिस एचिंग with aquatint in black and white is a figurative work symbolizing the artist's protest against the injustice towards the innocent poor people. तो etching work है, जो वो एक surface को खोद के जो बनाया जाता है उससे जो painting की जाती है, वो printing की जाती है, that is called etching. और aquatint उसी को जब कुछ और बनाने के लिए एचिंग की जाती है, और साथ में अगर आर्टिस्ट का उसी टाइम पे कोई माइंड चेंज हो जाए या न्यू आइडिया उसमें उसके माइंड में कोई आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिंट प्रिंटिंग इन फाइन आर्ट्स. तो ये एक्वेटिंट प्रिंटिंग है, ये इसमें एक फिगरेटिव वर्क है जो शो कर रहा है आर्टिस्ट के प्रोटेस्ट को, जो कि पुअर पीपल, इनोसेंट पीपल के अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, इनोसेंट पुअर पीपल के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट उसने इस प्रिंट को एज अ सिंबल प्रेजेंट किया है. इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 5 स्टैंडिंग फिगर्स ग्रुप्ड टुगेदर. 5 स्टैंडिंग फिगर्स इसमें साफ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो. All victims of starvation. तो सारे के सारे starvation के victim हैं, सारे के सारे भूखमरी के victim हैं, शिकार हैं. The thin, worn out children have bloated stomachs and thin rectangular rib cages, showing the effect of prolonged hunger. तो इसमें जो उनके stomach दिखाए गए हैं सूजन वाले, और साथ में rectangular rib cages दिखाई गई हैं, तो वो एक प्रोलॉन्ग्ड हंगर को शो कर रही हैं. हेड्स आर एनॉर्मस स्कल्स विद स्मॉल बोनी फेसेस रेस्टिंग ऑन अ रिक्टी टॉर्सोज एंड लिम्स. आईज आर वाइट हॉरिफाइंग हॉलोज. आईज जो वाइट हैं, वाइट शो की गई हैं इसमें प्रिंट में, और हॉलोज हॉरिफाइंग हॉलोज उनको हॉरिफाई पोजिशन में, हॉलो फॉर्म में दिखाया गया है. देयर मदर स्टैंडिंग बिहाइंड देम हैज पुट हर प्रोटेक्टिव हैंड्स ऑन देयर शोल्डर्स. तो उनकी मदर है जो, वो उनके पीछे खड़ी है और उनके कंधे के ऊपर अपने प्रोटेक्टिव हैंड्स उसने रखे हुए हैं. इन द फोरग्राउंड अ सेमी ड्रेस्ड चाइल्ड इज स्टैंडिंग वेयरिंग अ नेकलेस. जैसे कि आप यहाँ पे प्रिंट में देख रहे हो, इस पेंटिंग में, इस पिक्चर में,
कि एक सेमी ड्रेस्ड चाइल्ड, पूरा ड्रेस्ड नहीं है वो, सेमी ड्रेस्ड चाइल्ड है और उसके नेकलेस पहना हुआ है एक। द टॉलेस्ट फिगर ऑन द टॉप विद हैंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड अपीयर्स घोस्टली। तो जो घोस्ट की फॉर्म में ऊपर एक, सबसे सारी फिगर्स के ऊपर एक आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एक फिगर और है जो घोस्टली घोस्ट टाइप की फिगर दिखाई गई है यहाँ पे। अ गर्ल विद हर बैक टुवर्ड्स द व्यूअर इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट वर्टिकल प्लेन। तो जो लेफ्ट साइड में एक गर्ल को दिखाया गया है जो कि उसकी बैक साइड यहाँ पे शो की गई है। द ह्यूमन फॉर्म्स आर डिवाइडेड इंटू क्यूबिस्ट स्टाइल ज्योमेट्रिक प्लेन्स। तो ह्यूमन फिगर्स को क्यूबिस्ट स्टाइल में दिखाया गया है यहाँ पे। डिफरेंट टोन्स ऑफ ब्लू एंड ग्रे आर यूज इन लीनियर टेक्सचर इन द बैकग्राउंड एज वेल एज द शेडेड पार्ट ऑफ द बॉडीज फॉर डिपिक्टिंग द अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर डिप्राइव्ड सोसाइटी। डिफरेंट टोन्स यहाँ पे यूज की गई हैं ब्लू एंड ग्रे कलर की, जो कि लीनियर टेक्सचर को शो करने के लिए बैकग्राउंड में यूज की गई हैं और साथ में शेडेड पार्ट को भी, बॉडीज के शेडेड पार्ट को भी दिखाने के लिए यूज की गई हैं। Horace's work was deeply influenced by the 1943 Bengal famine, which shook him deeply. तो उसने जो बंगाल का famine था 1943 का, जिसने उसको deeply influence किया था, काफ़ी प्रभाव डाला था, जिससे उसने अपनी जो feelings हैं उसने paintings के through, print के, graphic prints के through show करने की कोशिश की है। हिज सब्जेक्ट्स आर द नेग्लेक्टेड पुअर पीपल हु सफर इन एवरीथिंग सोशल और नेचुरल। तो उसके जो सब्जेक्ट हैं पेंटिंग्स के, ग्राफिक प्रिंट्स के, वो नेग्लेक्टेड पुअर पीपल हैं, जो इग्नोर किए जाते हैं सोसाइटी में, वो पुअर पीपल उसकी पेंटिंग्स के सब्जेक्ट हैं, उन पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि सोशली और नेचुरली हर एक चीज़ में सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे। हिज सिंबोलिक एब्स्ट्रैक्शन इन आर्ट क्राइज ऑफ सफरिंग एंड एग्जिस्टेंस इज लेफ्ट विद नो होप। तो उसकी जो सिंबोलिक एब्स्ट्रैक्शन है आर्ट में, वो बिना किसी उम्मीद वाली जो सफरिंग्स को शो करती हैं। तो ये थी इस ग्राफिक प्रिंट के बारे में इंफॉर्मेशन। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी and press the bell icon also so that you can get the notifications for our next videos and live classes. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.